आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी सब खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज है संडे और आज हम निकलेंगे सुबह सुबह घर से घूमने के लिए गांदरबल साइड से। आगे देखेंगे कहां तक जाएंगे हम गांदरबल साइड से, वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो जी अभी टाइम आ चुका है 9:05, अभी हम है घर पे। तो पहले हमें कुछ चीजें उठानी है अपने साथ, जरूरत की चीजें वो हम ले लेंगे अपने साथ, तो फिर हम यहां से निकलेंगे। तो जी चलते हैं, उठाते हैं वो चीजें और मिलते हैं आपसे आगे। तो जी अभी हमने उठाया है ये बॉटल, बैग इसमें रखी एक टॉगल, और नीचे हमने रखा है टिफिन, वो भी उठाएंगे और निकलेंगे यहाँ से। तो जी मिलते हैं आपसे बाहर। तो जी अभी हम मान लेते हैं थोड़ी सी सनस्क्रीन, ये तौफीक की थी, यही मान लेते हैं फेस पे, क्योंकि बाहर से धूप बहुत ज़्यादा है इसीलिए। तो और दूसरी बात, मैंने ये ग्लासेस भी साथ उठाए क्योंकि फोटो वोटो उठाएंगे उसके लिए, और मैंने ये भी लगा लिए, धूप है ना बहुत बाहर से बहुत ज़्यादा। तो जी मान लेते हैं ये पहले हम। तो जी हो गई ये डन, अभी हम निकलते हैं घर से, मिलते हैं आपसे सीधा रास्ते पे। स्वेटर लेनी मुझे भूल गई थी, ऊपर से वहां से बहुत ज्यादा सर्दी होती है। अब मैं वापस उठाई मैंने स्वेटर, ये रख देते हैं बैग में, निकलते हैं यहां से, मिलते हैं नीचे। तो जी दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ 90 फीट रोड पे, अभी अभी हम यहाँ पे पहुँचे, अब हम निकलेंगे अहमदनगर साइड से, जाएंगे सीधे और फिर आगे देखते हैं आगे कहाँ हम पहुँचेंगे। एक बार मैं गया हूँ, रास्ता मुझे थोड़ा बहुत सा याद है, आगे हम पहुँचे पूछेंगे किसी से। तो जी अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, चलते हैं सीधे, मिलते हैं आगे। जी बोर्ड चेक कीजिए, सीधे हमें जाना है। ट्रैफिक देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा है। तो जी दोस्तों अभी हमने एंटर कर लिया है गांदरबल, अभी हम चल रहे हैं गांदरबल में ही, देख सकते हैं आप आगे कैसी लोकेशन है। अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं, अभी हम जाएंगे यहाँ से लेफ्ट और जी पहुँचेंगे कंगन, अभी हमें कंगन जाना है। तो जी मिलते हैं आपसे आज। तो जी अभी हम यहाँ पे रुके हैं, आप देख सकते हैं आगे माशाल्लाह क्या नज़ारा है। यहाँ पे राइस को उगोते हैं, दान जिसको बोलते हैं कश्मीरी में, यहाँ से हम पहुँचेंगे कंगन। तो जी अभी हम निकलते हैं आगे, मिलते हैं आपसे सीधा। टोल लेते हैं, टोल काटते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों का। तो जी देखिए अभी हम यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे वाटरफॉल था, पानी यहाँ से ऊपर से उतरता है नीचे, लेकिन यहाँ पे नीचे गंदा किया है इन लोगों ने, इसमें कूड़ा डालते हैं। ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर जाते हैं यहाँ से ऊपर, लेकिन यहाँ से खतरा है चढ़ने में, क्योंकि असल में इसको चढ़ते हैं वहाँ से आगे से जहाँ से हम आए थे, यहाँ से खतरा, अगर पकड़ेंगे पता नहीं क्या करेंगे। तो जी ये रहा हमारा साइकिल, अभी हम निकलेंगे यहाँ से आगे की तरफ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जाना है हमें आगे। तो जी दोस्तों अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं वॉयल ब्रिज के पास, ये देखिए सीधे हम निकलेंगे कंगन यहाँ से। तो जी मिलते हैं आगे। रोड चेक कीजिए, जाना है हमें सीधे। तो जी दोस्तों अभी हम चल रहे हैं कंगन, यहाँ से 9 किलोमीटर है। साइकिल को मैं ऐसे चला रहा हूँ क्योंकि इस पर थक गए बहुत ज़्यादा बैठते बैठते, अब थोड़े टाइम फिर आगे चढ़ेंगे इस पर। तो जी अब सीधा मिलते हैं आगे। ऊपर से मैंने लाई स्वेटर साथ, मुझे लगा यहाँ से ठंड होगी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा है। बोर्ड चेक कीजिए, 9 किलोमीटर। तो जी अभी हम चल रहे थे तो हमें छह भाई मिले यहाँ पे, तो आज मैं यहीं से चल रहा था तो भाई ने देख लिया, भाई ने पहचान लिया, तो मैं बस यही बोला कि कोई भाई भी ब्लॉगिंग करता है तो इसको भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब वगैरह कर दो, क्योंकि मेहनत करता है भाई साइकिल, पता नहीं कहाँ जाना है आगे घूमने के लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब करो इसकी, एंड बहुत ज़्यादा प्यार दो भाई को, इंशाल्लाह एक दिन वो भी आगे बढ़ेगा। चलो जी भाई।
शुक्रिया। तो जी दोस्तों, फाइनली अभी हम हैं कंगन में। कंगन हम पहुंच गए हैं। देख ही लीजिए आप आगे का नज़ारा क्या है। नीचे है पानी, अभी हम यहाँ पे हैं। अभी हम थोड़ा आगे और जाएंगे, वहाँ से ब्रिज एक आता है, यहाँ से इस सड़क से आगे आता है ब्रिज एक, वहीं पर हम नीचे बैठेंगे, साइकिल को लगा देंगे साइड में और वहीं पर हमें थोड़ा सा आराम करेंगे। आगे हमें सोहेब भाई को देखा था, मैं चल रहा था साइकिल पे, मुझे अच्छी नज़र पड़ी, उनको मैंने बुला लिया, वो रुके भी, बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। तो अभी जी हम जाते हैं आगे, मिलते हैं आपसे आगे। तो जी दोस्तों, फाइनली हम पहुंच ही गए कंगन। ये देखिए आप पीछे मेरे पानी, यहाँ से जाते हैं लेह लद्दाख सोनामर्ग, पहुँचेंगे यहाँ से। तो अभी जी पहुँचे हम यहाँ पे, साइकिल को मैंने रख दिया यहाँ पर। तो जी हम बैठेंगे यहाँ पे, कुछ टाइम रेस्ट करेंगे आप इधरी, फिर आगे देखेंगे आगे कब हम यहाँ से निकलेंगे। तो जी मिलते हैं आपसे आगे। पहले जी हम यहाँ पे हाथ मुँह धो लेते हैं, बहुत ठंडा पानी है ये। आगे तक जाएंगे, बहुत ठंडा है। तो जी अभी हमने मुंह हाथ धो लिया, अभी हम कुछ टाइम यहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। तो जी करते हैं थोड़ी टाइम रेस्ट, उसके बाद मिलते हैं आपसे आगे। कर लिया कुछ टाइम, पहले हम खा लेते हैं खाना, खाना हमें साथ है तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो जी अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं घर की तरफ और आगे देखेंगे, अगर कोई और जगह मिली देखने को तो वहाँ पे हम ठहरेंगे कुछ टाइम। अभी 3 भी बज चुके हैं, तो जी निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपसे सीधा आगे। तो अभी जी हम रुके थे यहाँ पे इस लोकेशन पे, यहाँ पे अच्छी खासी जगह है, यहाँ पे भी पानी है बहुत ज़्यादा, देखिए आप ये जाता है फिर यहाँ से पानी है, मुझे पता नहीं है कहाँ जाता है। तो जी अभी हम चढ़ते हैं साइकिल पे, निकलते हैं यहाँ से।
तो जी दोस्तों, अभी हमने छोड़ लिया है कंगन, अभी हम पहुंचे हैं गांधरबल। यहाँ से हमें लगेंगे 15 किलोमीटर क्रॉस करने हैं, यहाँ से हमें श्रीनगर तक। अभी हम यहाँ पे पहुंचे हैं, तो जी करते हैं 15 किलोमीटर को क्रॉस और मिलते हैं उसके बाद। तो जी, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से हम निकले हैं बाहर। अभी हम आए हैं 90 फीट रोड के साइड वाले रोड से, हजरतबल रोड से। यहाँ से हम पहुँचेंगे डल लेक। यहाँ से पहले जाएंगे हम डल लेक, फिर जाएंगे घर। तो जी दोस्तों, फाइनली अभी मैं 5-10 मिनट पहले घर पहुंचा। पहले मैंने चाय पी, भूख बहुत ज्यादा लगी थी, पहले मैंने चाय पी ली। ऊपर से धूप इतनी ज्यादा आज दिन को थी, एकदम ना टैनिंग हो गई पैरों में बहुत ज्यादा। मैं लगा था शूज ही, लेकिन मैंने इसलिए चप्पल लगाई थी क्योंकि पैरों में दम होता बहुत ज्यादा साइकिल पे। बहुत एंजॉय भी किया हमने आज, और जी इस व्लॉग को भी कर देते हैं यही पे एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आया होगा तो चैनल पे सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करके जरूर जाइएगा। लाइक शेयर कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय। और जी मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।